हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 9.3 में क्वेश्चन नंबर 14 है। जीपी सीरीज की प्रथम फर्स्ट थ्री टर्म का जो सम है वो 16 है और नेक्स्ट थ्री टर्म का जो सम है 128 है। तो सीरीज का फर्स्ट टर्म और सार कॉमन डिफरेंस तथा एन पदों का सम फाइंड करना है। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार अनुपात आर। लेट जीपी फर्स्ट टर्म A and common ratio is R। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार अनुपात R है। Let G be first term A and common ratio is R। तो देखिए सीरीज बनाएंगे। सीरीज क्या हो जाएगी? A AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR फोर, AR फाइव, AR सिक्स अप टू 100। अब देखिए फर्स्ट तीन पदों का योग, प्रथम तीन पदों का योग, प्रथम तीन पदों का योग। देखिए प्रथम तीन पद ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर कितना दे रखा है, यानी कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट थ्री टर्म का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 16। कितना दे रखा है? 16। तो देखिए इसके बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 60। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म का जो सम दे रखा है वो कितना है? 60। यहां से देखिए ए कॉमन ले तो 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 60। ये मेरे पास में आ गया 1। अब देखिए आगे अगले तीन पदों का योग, अगले तीन पदों का योग, अगले तीन पदों का योग दे रखा है आपको 128। तो अगले तीन पद देखिए, यहां से अगले तीन पद क्या आ जाएंगे? ए आर की क्यू प्लस ए आर की फोर प्लस ए आर की फाइव। तो नेक्स्ट सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म, सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी ए आर की क्यू प्लस ए आर की फोर प्लस ए आर की फाइव। तो देखिए अगले तीन पदों का योग कितना दे रखा है? 128। तो देखिए ये आ जाएगा ए आर क्यू प्लस ए आर की फोर प्लस ए आर की फाइव बराबर 128। यहां से ए कॉमन है तो ये आ जाएगा आर की क्यू प्लस आर की फोर प्लस आर की फाइव बराबर 128। तो ये आ गया मेरे पास में। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण दो में
एक का भाग देने पर। समीकरण दो में एक का भाग देंगे तो देखिए यह आ जाएगा ए आर की क्यू प्लस आर की फोर प्लस आर की फाइव डिवाइड बाई यह आ जाएगा ए वन प्लस आर स्क्वायर बराबर यह आ जाएगा 128 अपॉन 16। ए से ए कटेगा, ऊपर से आर क्यूब कॉमन आ जाए, आर क्यूब कॉमन ले ले तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 128 अपॉन 16। तो आर क्यूब ऊपर से कॉमन आ गया, देखिए तो यहां से बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, नीचे 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ये आपस में कटेगा तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा 128 अपॉन 16। 16 का डिवाइड करेंगे 128 में सोलह को आठ से गुणा करें तो यह आ जाएगा आठ छिक 48 चार आठ चार 12। कितनी बार कटेगा ये? आठ बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? आठ बार। तो आर की क्यूब बराबर आ जाएगा दो की क्यूब, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? दो। कंपेयरिंग कर लो इसकी तो देखिए आर बराबर कितना आ जाएगा? दो। अब आर का मान देखिए, अब आर का मान हमारे पास में आ गया दो। अब समीकरण एक से देखिए, समीकरण एक से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से देखिए, यहां से देखिए ए वन प्लस आर आर मेरे पास में कितना आ गया? दो। दो प्लस आर स्क्वायर, दो की स्क्वायर चार बराबर कितना आ जाएगा? 16। चार दो छह और एक सात, सात ए बराबर आ गया 16, तो ए बराबर आ गया 16 अपॉन 7। मेरे पास में आर आ गया, ए आ गया। अब मेरे को निकालना क्या है? एन टर्म का सम। क्या निकालना है? एन टर्म का सम निकालना है मेरे को। तो एस एन बराबर एन टर्म का सम निकालना है। एन टर्म का सम निकालने के लिए देखिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा? एस एन बराबर ए वन माइनस आर की पावर एन सात चौदह दो ये दिया है अभी। देखिए सात में इसमें डिवाइड करेंगे तो ये दो से बड़ा है, दो के करीबन आएगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला ये लगेगा इसमें आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब आर ग्रेटर वन है तो एस एन बराबर आ जाएगा ए, ए मेरे पास में आ गया 16 अपॉन 7, आर मेरे पास में आ गया 2 की पावर एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, तो एस एन बराबर आ जाएगा, एस एन बराबर आ जाएगा 16 अपॉन 7 2 की पावर एन माइनस वन, और 2 में से 1 गया 1 बच गया, ये इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया, एस एन एन टर्म का सम निकालना था आपको। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको ए बराबर 729, इसका T7 आपको दे रखा है 64, ठीक है, और S7 आपको फाइंड करना है, S7 आपको फाइंड करना है, तो T7, तो TN बराबर हमारे पास में होता है AR की पावर N-1, तो T7 बराबर हो जाएगा AR की पावर N-7-1, तो T7 का मान दे रखा है 64 बराबर AR की पावर 6, और A बराबर आपको दे रखा है 729, तो 64 बराबर 729 R की पावर 6, तो 64/729 बराबर R की पावर 6, इसको काटा पिटी करेंगे तो भाई देखिए क्या आएगा। तो ये आ जाएगा 2/3 की पावर 6 बराबर R की पावर 6, 2 की पावर 6 करेंगे 64 हो जाएगा, 3 की पावर 6 करेंगे कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 6 बराबर R की पावर 6। तो देखिए पावर की कंपेयरिंग करेंगे तो दोनों तरफ है तो R बराबर कितना आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा 2/3, R बराबर मेरे पास में आ गया ये, और S7 आपको फाइंड करना है, S7 आपको फाइंड करना है, तो Sn बराबर क्या होता है A(1-R)/(n)/(1-R)। R मेरे पास में देखिए एक से छोटा है, तो S7 आपको फाइंड करना है, तो n की जगह क्या रखेंगे 7, a मेरे पास में कितना है 729, 1-R, R आ गया मेरे पास में 2/3, और n आ गया मेरे पास में कितना 7, n आ गया 7/(1-R) 2/3, तो S7 बराबर आ जाएगा 729 1-2/2 की पावर 7, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2, 4, 5, 6, 7, 3 × 3, 3, 4, 5, 6, 7 3 × 2 / 3 ये आ जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो S7 बराबर आ जाएगा 729 × 3, ये 3, 3 − 1, 1/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 1 − ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 7, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4×2 = 12, 128 बटे, और ये आ जाएगा 729 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9×3 = 27, 2×3 = 6, 2×8 = 21, 21 = 87, 21 = 87 आ जाएगी। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 729 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा S7 बराबर 21/87 − 128/21, ये इससे कट जाएगा, तो S7 बराबर आ जाएगा 21/87 − 128,
2059 S7 बराबर ये आ जाएगा। 2187 में से 128 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2059, तो S7 बराबर ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीपी सीरीज फाइंड करनी है आपको। इसकी फर्स्ट टू टर्म का जो सम है वो -4 और फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म का 4 मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार अनुपात आर लेट जीपी फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशो इज आर, कॉमन रेशो आर, तब देखिए सीरीज क्या होगी। सीरीज रहेगी ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर अप टू सो ऑन। अब देखिए क्या कहता है, को फाइंड करना है जिसके प्रथम दो पदों का योग हो। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग ए प्लस ए आर, प्रथम दो पदों का सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या हो जाएगी ए प्लस ए आर, कितना दे रखा है -4, तो ये आ जाएगा ए प्लस ए आर बराबर -4। यानी a इसमें कॉमन ले ले तो ये आ जाए 1 प्लस r बराबर -4, इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखिए पांचवा पद तृतीय पद का 4 मल्टीप्ल, तो थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म तीसरा पद, तीसरा पद देखिए 1 2 3 ए आर स्क्वायर, पांचवा पद थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या जाएगी ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर, पांचवी टर्म क्या जाएगी 1 2 3 4 पांचवी, पांचवी टर्म क्या जाएगी ए आर की 4, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म आ जाएगी ए आर की 4, यह आ जाएगा मेरे पास में। अब देखिए इसका ए टी क्यू करते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ए टी क्यू प्रश्नानुसार है। देखिए कि पांचवा पद है 4 गुना है तृतीय पद का, पांचवा पद है 4 गुना है तृतीय पद का, यानी कि फिफ्थ टर्म
बराबर 4 इंटू थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म है फोर्थ फोर मल्टीप्लाई कौन सी का थर्ड टर्म का, फिफ्थ टर्म है वो फोर्थ है, फोर मल्टीपल है थर्ड टर्म का, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास में देखिए कितनी आ गई ए आर की फोर, फोर इंटू थर्ड टर्म हमारे पास में आ गई ए आर स्क्वायर, तो देखिए ए से ए कट जाएगा, यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर फोर, तो आर बराबर आ जाएगा प्लस माइनस टू, आर बराबर आ जाएगा प्लस माइनस टू। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से, तो देखिए समीकरण एक ही है मेरे पास में, ए आर इक्वल्स टू प्लस टू लेता हूं, व्हेन आर इक्वल्स टू टू, जब आर इक्वल्स टू टू हो तब क्या हो जाएगा ए वन प्लस टू बराबर माइनस फोर, तो थ्री ए बराबर माइनस फोर, ए बराबर माइनस चार बटे थ्री, ए की वैल्यू आ गई माइनस फोर बाई थ्री। तो सीरीज क्या बनेगी हमारे पास में, तो सीरीज क्या बन जाएगी देखिए, सीरीज बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी देखिए ए, ए मेरे पास में आ गया माइनस फोर अपॉन थ्री, ए आर माइनस चार बटे तीन इंटू आर, आर मेरे पास में कितना है दो, और तीसरा आ जाएगा माइनस चार बटे तीन इंटू आर स्क्वायर चार, तो सीरीज मेरे पास में आ जाएगी माइनस चार बटे तीन माइनस आठ बटे तीन माइनस सोलह बटे तीन, ये मेरे पास में फर्स्ट सीरीज आ जाएगी। जब आर का मान माइनस दो लेंगे तब सीरीज क्या बन जाएगी वो देखिए, आर का मान माइनस दो लेंगे तब सीरीज देखिए क्या बनती है, जब आर इक्वल्स टू टू, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से जब आर इक्वल्स टू माइनस टू, व्हेन आर इक्वल्स टू माइनस टू रखेंगे, तो यहां से देखिए ए, ए मेरे पास में कितना आ गया माइनस फोर बाई थ्री, अच्छा ए, ए की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो वन माइनस टू, आर की वैल्यू जब मैं क्या रखू माइनस टू बराबर क्या है माइनस फोर, तो ये आ जाएगा माइनस ए बराबर माइनस फोर, ए बराबर कितना आ जाएगा चार, ए बराबर चार आ गया। अब सीरीज देखिए क्या बनेगी हमारी, सीरीज देखिए क्या बन जाएगी, सीरीज बनेगी ए, ए की जगह मेरे पास में फोर, ए आर फोर इंटू आर माइनस टू, ए आर स्क्वायर फोर इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है मेरे पास में माइनस दो चार, तो ये हो गया चार माइनस आठ और सोलह, ये सीरीज बन जाएगी, एक सीरीज तो ये बनेगी और एक सीरीज इसकी ये बन जाएगी। और आगे भी निकाल सकते हो सीरीज आप, चार आठ सोलह बत्तीस आ जाएगी, इसी प्रकार से इसमें आगे आप निकाल सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब एक सीरीज ये बन जाएगी, एक सीरीज जब आर का मान यहाँ पे प्लस माइनस दो है तो आर आप टू लेंगे तब सीरीज मेरे पास में ये बनेगी, जब आर माइनस टू लेंगे तब सीरीज ये बन जाएगी आगे अप टू सेवन, अप टू सेवन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है,
किसी जीपी का फोर्थ टेंथ और सिक्सटीन टर्म एक्स वाई जेड है। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वनुपात आर लेट जीपी फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशो आर, थोड़ी सारी डाल देता हूं मैं, कॉमन रेशियो आर है। कॉमन रेशियो आर तब देखिए सीरीज क्या बन जाएगी, तब सीरीज होगी ए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सॉम। अब देखिए फोर्थ टर्म टी फोर बराबर हो जाएगा ए आर की पावर फोर माइनस वन, टी फोर आ जाएगा ए आर की क्यू, और फोर्थ टर्म जो आपको दे रखी है वो दे रखी है एक्स, तो टी फोर की जगह क्या रखेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा ए आर की क्यू बराबर एक्स। समीकरण नंबर एक इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर देखिए टेंथ टर्म टी टेन बराबर हो जाएगा ए आर की पावर टेन माइनस वन, तो टी टेन आपको दे रखी है कितनी एक्स वाई, तो टी टेन आपको दे रखा वाई बराबर आ जाएगा ए आर की पावर नाइन, ये आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड। फिर दे रखे आपको सिक्सटीन, तो टी सिक्सटीन बराबर आ जाएगा ए आर की पावर सिक्सटीन माइनस वन, और ये दे रखे आपको जेड बराबर ए आर की पावर फिफ्टीन, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। तो प्रूव करना कि एक्स वाई जेड जीपी सीरीज में है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई कर दें, एक व तीन को गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स जेड। इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन थर्ड ये है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए एक्स इंटू जेड बराबर हो जाएगा ए आर की क्यू इंटू ए आर की फिफ्टीन, कितना आ जाएगा ए आर की क्यू इंटू ए आर की फिफ्टीन, तो एक्स जेड बराबर आ जाएगा ए आर की पावर नाइन, पंद्रह तीन अठारह, नौ गुणी पंद्रह और तीन अठारह ए स्क्वायर, ये इसको हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर अठारह, ये हो जाएगा एक्स जेड बराबर ए आर की पावर नाइन का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू जेड बराबर ये हो जाएगा ए आर की क्यूब इंटू ए आर की फिफ्टीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की एटीन,
ए स्क्वायर आर की 18 को लिख सकता हूं मैं ए आर की पावर 9 का होल स्क्वायर, ए आर की पावर 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए आर की पावर 9 किसके बराबर है, ए आर की पावर 9 किसके बराबर है, वाई के बराबर। तो एक्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, तो यानी कि एक्स वाई जेड जीपी में है, एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो एक्स वाई जेड आर इन जीपी, क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखिए अगर आपके पास में दो संख्याएं हैं ए और बी, इनके मध्य जी जीपी यानी ज्योमेट्रिक मीन है, तब क्या होता है, देखिए जी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी। जी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो देखिए अगर आपके पास में तीन संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, ये अगर जीपी में है तब ये क्या हो जाएगा, ये जी, तो यहाँ पे क्या है वाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स जेड हो गया। इसका मतलब एक्स वाई जेड किसमें है, ये एक्स वाई जेड किसमें है, इन जीपी सीरीज में है। तब इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। तो यहाँ हमारे पास में क्या आ गया, वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया एक्स जेड। इसका मतलब एक्स वाई जेड किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में, यानी कि जीपी सीरीज में है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।